नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के सागर जिले के राहतगढ़ के वार्ड क्रमांक 10 से पूर्व पार्षद के बेटे के ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया। आपको बता दें कि मामूली कहासुनी के बाद पूर्व पार्षद के बेटे के ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल होने के पश्चात से प्राथमिक उपचार के बाद सागर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि सागर के राहतगढ़ के वार्ड क्रमांक 10 के वार्ड मेंबर का बेटा अरबाज अपनी फूफी के यहाँ जा रहा था, तभी रास्ते में नाजिम अपने दोस्त आजम के साथ आया और अरबाज को गाली देने लगा। अरबाज ने गाली देने से मना किया तो उसके बाद नाजिम ने अरबाज पर चाकू से हमला कर दिया। तुरंत घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद अरबाज को जिला हॉस्पिटल सागर रेफर कर दिया गया। चाकूबाजी की घटना नगर में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग घायलों को देखने हॉस्पिटल पहुंचने लगे। वहीं राहतगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज करके विवेचना शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। डिप्टी का जान से मारने की धमकी देने लगा, तभी नाजिम के भाई आजम शाह ने आकर इसे पकड़ लिया और नाजिम ने चाकू निकाल कर यूथ में मार दी। रिपोर्ट पर मारपीट का अपराध दर्ज किया गया। अरबाज को अस्पताल सागर भेजा गया, जहां से डॉक्टर साहब ने जिला अस्पताल सागर के लिए रेफर कर दिया। सर, मामला क्या बनाया? मारपीट का मामला बनाया। धारा क्या? आरोपी नाजिम शाह और आजम गिरफ्तार हुई। अभी अभी उनकी तलाश जारी। आज करीब 2:15 बजे अरबाज शाह निवासी वार्ड नंबर 10 ने थाना पर आकर रिपोर्ट किया है कि यह वार्ड नंबर 8। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।